हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रेवल वीडियो। अभी मैं हूँ लोअर दीर तेमरगरा में, जो कि कैपिटल है लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे हमारा असल मकसद है ना, यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्टे है सिर्फ कल सुबह तक। यहाँ से हमने जाना है चित्राल, बेसिकली वो हमारी असल डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा टाइम गुजारे, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो तो बनती है। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दीर लोअर के ऊपर, वो आप वॉच करें। लेकिन इस बार भी मैंने कहा आए हुए तो कुछ तो बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पांच बंदे हैं। एक बंदा कराची से आपने देखा है वीडियो में, दूसरा है ये बादशाह भाई द डॉन द ग्रेट, और ये पेशावर से ज्वाइन हो गए यहाँ दीर आने के बाद। ये है हिजाबुल गबूर, हमारे टीचर, हमारे बॉस कराची में, हमारे साथ 4-5 साल ऑलरेडी गुजार चुके हैं और आप में से कई लोग इनको भी जानते हैं। और ये हमारे पास है इंजीनियर नूर हुसैन, ये भी दीर में रहते हैं। तो आप सबको खुश आमदीद भाइयों। बिल्कुल, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी हम दीर में खुश आमदीद कहते हैं थ्रू वीडियो। Over your body and over your soul, we're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. ये भी आप देख सकते हैं पंचकोड़ा रिवर दरिया, और जो तेमरगरा सिटी है वो चारों तरफ से आप देख सकते हैं पहाड़ों में घिरा हुआ है। तो इस वजह से ये ठंडा भी रहता है यहाँ मौसम, और बहुत एक नाइस व्यू आता है। ये जो पहाड़ होते हैं ना सराउंडिंग में, इसमें एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप टॉप पे जाके ना पानोरामा व्यू ले सकते हैं पूरे शहर का। तो ये अगर मेरी पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें लास्ट टाइम आया था तो मैं ये पहाड़ के ऊपर गया था, एक एरिया था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, लेकिन वहाँ मैं गया था तो बड़ा ही नाइस व्यू आया था वहाँ से। अभी हम तेमरगरा शहर की जाने बढ़ रही है, आप देख सकते हैं ये जस्ट ये जो रिवर है इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो तेमरगरा आ जाता है। उससे पहले जो बाज़ार आपने देखी वो बलामबट तहसील थी। अभी हम तेमरगरा बाज़ार में दाखिल होने वाले हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगे, और नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ये झंडा फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग है जो कि बेसिकली मेरे ख्याल से एक रेस्टोरेंट लग रहा है यहाँ से। और तो और भाई यहाँ पे शॉपिंग सुपर स्टोर भी है जी सिटी मार्ट के नाम से तेमरगरा में। कैन यू बिलीव इट, ये देखिए जनाब, अभी हम जा रहे हैं और आपको यहाँ पे सुपर स्टोर दिखाने वाले हैं, जो मैं आपको बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ें दिखाता रहता हूँ, उसकी प्राइस भी दिखाता रहता हूँ, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, व्हाटएवर, ठीक है। और अभी जो है ये देखिए, तेमरगरा का सुपर स्टोर भाई। एक चीज़ है कि प्राइसिंग नहीं लिखी हुई है, लेकिन प्राइसिंग तो नॉर्मल होगी। और यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी
دوسرے فلور میں چیزیں ہیں, تو یہاں پہ میرے خیال سے آپ کو آلموسٹ ہر چیز مل جائے گی, کلوں کے سامان سے لے کے کھلونوں سے لے کے اسپورٹس اکوپمنٹ اینڈ آلموسٹ ایوری تھنگ. گروسری اسٹور سے تو میں باہر نکل آیا ہوں اور ابھی ہم آفیشلی جو ہے یہ انٹر ہو گئے ہیں تیمرگرہ سٹی میں. اور یہ جو لوور دیر ہے یہ ڈسٹرکٹ بیسکلی ایجوکیشن کے حوالے سے کافی آگے ہے خیبر پختونخوا پروونس میں, اس میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہے ایجوکیشن کے ریزلٹس کے حوالے سے, تو یہاں پہ کافی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. اور ابھی آپ یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلند و بالا عمارتیں بھی یہاں پہ ہیں. یہ مین چوک ہے, یہ مین چوک ہے ایکچولی. جو انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک مین راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹیچو بھی لگا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ بلڈنگز ہے, اور اس کے بعد یہ سٹی شروع ہو جاتا ہے. تو سٹی میں آپ جیسے شروع میں نے آپ کو کہا ہر چیز مل جاتی ہے, تو ابھی ہم بھی یہاں پہ انٹر ہو گئے ہیں, ہمیں تھوڑا سا کچھ کام ہے, اس کے بعد ہم دریا کے سائڈ پہ جائیں گے, وہاں پہ ایک پارک بھی ہے, اور دریا میں جو ہے تھوڑا سا وہاں پہ ریفریشمنٹ کریں گے, اور پھر جو ہے یہ ابھی آلریڈی شام کا ٹائم ہے. ونس اگین آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ مارکیٹس ہے تیمرگرہ سٹی میں, یہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگز یہاں پہ بن رہی ہے. ابھی تیمرگرہ سٹی کو تھوڑا بہت ایکسپلور کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئے ہیں الطاف پارک. یہ آپ کو جو سامنے برج نظر آ رہا ہے یہ بالکل یہ ریور جو پنچکوڑا ریور ہے اس کے اوپر آیا ہوا ہے ایسے, تو ہم نے اس کو کراس کیا ہے اور یہاں پہ اس پارک آئے ہیں. لیکن ابھی آج سنڈے ہے اور عید کا پانچواں دن ہے, تو اس پارک کے اندر جو ہے بہت زیادہ رش ہے, بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے. تو یہاں آ کے معلوم کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز ہے یا جو پارک وغیرہ ہے وہ بہت ہی کم ہے, کیونکہ یہ ایک پارک ہے اور یہ اتنا کنجسٹڈ ہے, بہت چھوٹی سی جگہ پر ہے لیکن لوگ یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیں. تو ابھی ہم یہ بالکل جو ریور ہے اس کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے, یہ پچھلی والی ویڈیو میں بھی میں نے جو ہے اس کو وہ کیا تھا, کور کیا تھا. اس میں کچھ جھولے وغیرہ ہے, کچھ بچوں کے لیے اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہے. اور ابھی یہ جو برج بنا ہوا ہے نا یہ تھوڑا سا کافی خوبصورت ہے, لیکن یہ برج صرف پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے لوگ گاڑیاں بھی جو ہے گزار کے لے کر آتے ہیں. اور یہاں پہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہاں پہ ایک ریور ہے, اس کا نظارہ کافی اچھا ہوتا ہے یہاں سے اگر آپ یہاں آتے ہیں تو.
ये रिवर है, पंचकोड़ा रिवर। इसके ऊपर ये ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा है और ये पानी बहता हुआ यहाँ से जा रहा है। तो काफ़ी जो है यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये जगह जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है। ये जो तेमरगरा दीर है यही हम पार्क में भी मौजूद है, अल्ताफ पार्क। और यहाँ पे ये जो पार्क है इसके ऊपर एक छत बनी हुई है, यहाँ पे हम ऊपर आए हैं तो यहाँ से ये सारा नज़र आता है, ठीक है। और उसकी उस साइड पे जो है वो है रिवर है, और रिवर के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये खेत वगैरह है, हरियाली है और बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत मंज़र है। बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ भी है। मौसम अभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दीर के हवाले से, खासकर लोअर दीर, यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर सऊदी अरेबिया वगैरह में होते हैं, ठीक है। हर घर से जो है ज़्यादातर बंदे वो बाहर ही होते हैं, उस वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आपको अगर ये मैं बात बताऊँ तो आपको हैरत नहीं होगी, बल्कि हैरत होगी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो इस्लामाबाद से कंपेरेबल है, इस्लामाबाद जितने रेट्स हैं यहाँ पे भी। बावजूद इसके कि सऊदी अरेबिया में अभी क्राइसिस आए हैं तो वहाँ से बहुत सारे लोग वापस भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। और प्रॉपर्टी की रेट्स को जो है आप इस्लामाबाद से कंपेयर कर सकते हैं। अभी शाम हो गई है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट है, तो अभी हम जब जाएंगे और कुछ खाएंगे, खाना माना डिनर करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा और वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे दोस्त आप देख रहे हैं सारे आइसक्रीम खा रहे हैं। उसके बाद हम कल सुबह निकलेंगे यहाँ से चित्राल के लिए। Feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control. फाइनली अभी शाम का टाइम हो गया है, रात का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम है। हम लोग जो है तेमरगरा सिटी और जो करीब करीब जगहें थी वो सब विज़िट करके आ गए। आइसक्रीम और खीर भी हमने इंजॉय किया। ये नूर हुसैन भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाया है। लेकिन ये डिनर जो है हमारे बॉस इजाब की जानिब से है, और ये हमारे डिनर में जो है आप देख सकते हैं तीन चार डिशेज़ है यहाँ की लोकल, जिसमें चिकन है, आलू जो है, गोश्त है और कीमा करीला है। और हिजाब भाई आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप अगर काइंडली करें वो करें, तो यहाँ के ट्रेडिशंस और जो यहाँ का फूड है ये दीर का, यहाँ की कौन सी डिश सबसे मशहूर है? देखिए जी, दीर में एक तो कढ़ाई और दूसरा मेहमानों के लिए अक्सर जिस तरह हमने लंच में ये पुलाव पकाया, काबली पुलाव, बिरयानी हमारे घर में बड़े शौक से खाई जाती है और पकाई भी जाती है, तो ये आम डिशेस हैं। बाकी जो ट्रेडिशन है ये ज़्यादातर जो है आलू गोश हो गया, कीमा करेला हो गया, सब्जियां यहाँ पर बड़े शौक से लोग खाते हैं, हालांकि हमें पसंद नहीं हो अलग बात है, लेकिन ये है कि लोग खाते हैं तो खाने पड़ते हैं। Oh